बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ के व्यापारियों की सर्वोच्च संस्था संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष को आज एक ट्रैफिक सिपाही ने जमीन में गाड़ देने की धमकी दे डाली। व्यापारी नेता व ट्रैफिक सिपाही के बीच काफी देर तक गर्मा गर्मी होती रही। बाद में कुछ अन्य लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष ने इसकी शिकायत एसपी ट्रैफिक से भी की है। यह घटना आज दोपहर मेरठ के रेलवे रोड चौराहे पर हुई। इस चौराहे से संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता निकल रहे थे, उन्हें रुकने का इशारा किया गया और इसी बात पर संघ अध्यक्ष व ट्रैफिक सिपाही आमने सामने आ गए। दोनों के बीच खासी गर्मा गर्मी हुई। एक समय संयुक्त व्यापार संघ का ऐसा भी रहा है जब उसकी खासी धमक हुआ करती थी। जिला पुलिस व प्रशासन भी संयुक्त व्यापार संघ का मूड देखकर ही अपनी रणनीति बनाता और फिर बदल करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आइए देखते हैं क्या हुआ रेलवे रोड चौराहे पर। अरे ये इतना बिजी चौराहा है, तो कैसे कैसे चलेगा चौराहा? मेरी बात सुनो, मेरी चौराहे चलाने में 8 आदमी लगे हुए हैं, ठीक है? मैं भी इसी चौराहे पे हूँ। आप इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।